माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सब अच्छे हैं ना? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। और आज तो करवा चौथ का स्पेशल दिन है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी करवा चौथ। आप सभी अपने अपने पतियों के साथ अच्छे से करवा चौथ का त्यौहार सेलिब्रेट करें। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में खाने पीने की तैयारी करने, तो मैंने कल वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड किया था, तो यहीं से मैं अपने आज के इस ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और मैं जा रही हूँ किचन में खाने पीने की तैयारी करने, तो चलिए चलते हैं किचन में, पहले पूजा के लिए खाना पीना बना लेते हैं। अभी ना मैं यहाँ पर गोभी आलू की सूखी सब्जी बना रही हूँ। गोभी को मैंने ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लिया है और जो बचा हुआ ऑयल था उसी में मैंने ये गोभी आलू की सब्जी छोंक दी है। और आज हमारे यहाँ खाने में ये गोभी आलू की सूखी सब्जी तो है ही, इसके साथ साथ कढ़ी चावल बाजरा पूरी और साथ में मीठे पुए भी हैं। तो जब तक मैं हेयर वॉश करके नहाई हूँ, अंजलि ने कढ़ी और चावल बना दिए हैं, अब ये सूखी सब्जी मैंने छोंक दी है और ये मीठे पुए भी मैं सेक दे रही हूँ। अब बस आटा मर के पूड़ियाँ और सेकनी है, और बाजरा मम्मी जी ने बना दिया है, बस पूड़ियाँ सेक करके पूजा की तैयारी करनी है। और हम सास बहू हैं, तीनों मिलकर के करवा चौथ की पूजा यहाँ बड़े वाले रूम में करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इस जगह पर हल्दी का पानी फेर दिया है हाथ से, और ये फिर ऊपर से आटे का चौक लगा दिया है, और चौकी लगा करके उस पर कपड़ा बिछा करके ये गौर रख दिए हैं। दो गौर, एक मम्मी जी पूजा करेंगी एक से, और एक से मैं और अंजलि करेंगे। और दो दो के हिसाब से ये 6 चीनी के करुए हैं जिसमें मैंने चावल भर दिए हैं, और ये 3 मिट्टी के करुए हैं जिनसे हम अर्घ देंगे, और ये दीपक वगैरह सब बना करके तैयार करके रख दिए हैं मैंने। और ये मिट्टी के गौर ना मेरी ताई सास ने बनवा करके भिजवाए हैं, तो ये देखिए उन्होंने हाथ भी बनाए हैं और मुंह भी बनाया है। और बस पूजा की तैयारी हो गई है, मैं भी रेडी हो लेती हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग को एक ऐसे गेम के बारे में बताने जा रही हूँ आज, जिसे घर बैठकर खेलकर आप हजारों रुपए जीत सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने और आप लोगों ने मोबाइल पर बहुत सारे गेम्स खेले होंगे, लेकिन आज जो गेम मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ना, दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट गेम ऑफ माई लाइफ। तो अगर आप लोगों के पास सेंसेबल ऑब्जर्वेशन अच्छा, यानी कि आपके पास अच्छा माइंड है, आपके पास अच्छी प्रिडिक्शन स्किल है, आपका आईक्यू लेवल एक्सेलेंट है, तो ये गेम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप इस गेम में 10 रुपए लगाते हैं तो आप सिर्फ 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना भी नहीं, 5 गुना भी नहीं, बल्कि पूरे 9 गुना पैसा जीत सकते हैं। और आप यहाँ पर हर 15 मिनट पे 9 गुना पैसा जीत सकते हैं। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि प्लेयर्स खेलने से पहले एक बार अपनी विनिंग लिस्ट जरूर चेक कर लें, इससे न केवल आपकी प्रेडिक्शन स्किल बढ़ेगी बल्कि आपके जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और मैं भी इस गेम को खेल रही हूँ, तो फिर देख किस बात की है, क्या सोच रहे हैं आप लोग। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गेम को खेलने के लिए लिंक दी गई है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक करके ऐप को टक्षाल ऐप को डाउनलोड कीजिए और खेलिए गेम और जीतिए 9 गुना पैसा। और आज के दिन मैं अपनी शादी का लहंगा पहनती हूँ, या फिर शादी में चढ़ावे में जो साड़ियाँ चढ़ी थी उनमें से कोई साड़ी पहन लेती हूँ, लेकिन आज मैंने अपनी शादी वाला लहंगा पहना है, तो एक बार फिर से आज मैं दुल्हन बन गई हूँ। एक डांस करते बढ़िया था। और चलिए, अब डांस बहुत हो गया, चुपचाप से चलते हैं पूजा के कमरे की तरफ, क्योंकि चंद्र देवता के निकलने का टाइम हो गया है, तो पूजा कर लेते हैं। और हम देवरानी जिठानी मिलकर गौर को महावर लगाने के बाद यहाँ अपने पैरों में महावर लगा रहे हैं, और मम्मी जी के पैरों में महावर अंजलि ने पहले ही लगा दी है, तो बस हम ही दोनों रह गए हैं, और हम दोनों की भी ये लगी गई है महावर। तो हम तीनों सास बहू हैं, पूजा कर लेते हैं। मम्मी जी अपने गौर पूजेंगी, मैं और अंजलि अपने गौर पूजेंगे। तो हम लोगों ने गौर का पूरा श्रृंगार किया है, सिंदूर बिंदिया महावर चूड़ी सबसे इनका श्रृंगार किया है,
और बस भोग लगा करके जो कढ़ी चावल बाजरा पूड़ी पुए सब बने इनका भोग लगा दिया है। और अब बस कथा सुन लेते हैं। तो मैं कथा कैलेंडर में से देख के पढ़ रही हूँ और मम्मी जी अंजलि सुन रहे हैं। और मम्मी जी ने पता है इनको भी कथा सुनने के लिए बुला लिया है क्योंकि ये भी व्रत रखते हैं हमेशा मेरे साथ करवा चौथ का। और पूजा करने के बाद यहाँ पर मैं और अंजलि आपस में एक दूसरे से कलश बदल रहे हैं। तो ये भी एक रस्म है जो की जाती है। और इस रस्म में मैंने अपना कलश अंजलि को दिया, अंजलि ने अपना मुझे दिया, फिर इसके बाद मैंने अंजलि का कलश लौटा दिया, अंजलि ने मुझे मेरा लौटा दिया। तो इस तरीके से 7 बार करते हैं और फिर बाद में अपना अपना कलश अपने पास आ जाता है। और जिस टाइम का सुबह से इंतज़ार हो रहा है वो टाइम आ गया है। चंद्र देवता जी अपने सही टाइम पे इस बार निकल आए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं छत पर अर्घ देने। तो चलिए चंद्र देवता जी को अर्घ दे देते हैं। और चंद्रमा को अर्घ देने हम अपने घर की सबसे ऊपर वाली छत पर आए हैं और यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं। मम्मी जी हैं, मौसी जी हैं, अंजलि है, विजय भैया और मैं और ये और हमारे दोनों बच्चे तांशु पूर्वी और मौसी के बेटे बहू भी हैं, उनका बेटा भी है। तो ये जो हल्का सा घूंघट किए हुए है ना रेड और क्रीम कलर की साड़ी में, ये मौसी की बहू है। और पिंक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहने हुए ये मौसी के बेटे हैं। और पहले मेरी दोनों प्यारी प्यारी देवरानियाँ अपने पति को देख करके चलनी में अपना व्रत खोल लें, उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूँगी और अपने पति जी का व्रत भी खुलवाऊँगी साथ में। तीनों बच्चे मिलकर के देखिए कैसे धमा चौकड़ी मचाए हुए हैं। ये तीनों जहाँ मिल जाते हैं ना वहीं अपना उधम शुरू कर देते हैं। और इन्हें कितना भी समझा लो, कितना भी डांट लो, थोड़ी देर तक शांत बैठे रहेंगे लेकिन फिर वही अपना उधम शुरू कर देते हैं। अंजलि विजय भैया को हम दोनों के पैर छूने के लिए बुला रही है कि आओ एक साथ पैर छू लेते हैं दीदी और भैया के। लेकिन विजय भैया तो अपने खाने में मस्त हैं, उन्हें तो बस उनका तो सारा ध्यान रसमलाई पे है कि रसमलाई हाथ से ना चली जाए, कोई और ना खा ले। और मैंने इनको टीका लगाया तो इन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा है। तो ये मेरे लिए सबसे अनमोल गिफ्ट यही है कि इन्होंने मेरे लिए आज व्रत रखा, मेरे मना करने के बावजूद भी, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसके बावजूद भी आज पूरे दिन मेरे लिए भूखे प्यासे रहे हैं। रियली आई एम सो लकी कि मुझे इतना प्यार करने वाले, इतना सपोर्ट करने वाले हस्बैंड मिले हैं। इतने प्यासे हो भैया, हमारी विजय भैया को डांस के लिए बहाना चाहिए, कोई मौका छूटना नहीं चाहिए। गेट पे ही म्यूजिक सिस्टम लगा करके डांस कर रहे हैं गली में और आसपास के घरों के बच्चे भी आ गए हैं डांस करने। और अभी हम लोगों ने खाना वगैरह नहीं खाया है, पहले सोचा थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह करा लेते हैं क्योंकि खाना पीना खाने के लिए कपड़े चेंज करने पड़ेंगे फिर फ़ोटोज़ वगैरह हो नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले फ़ोटोज़ वगैरह करा लेते हैं। और दादी जी को मम्मी जी ने खाना परस दिया है तो हम लोग अभी आराम से मस्ती मजाक में लगे हुए हैं, फ़ोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं। ये हमारी भाभी भाई को गजरा दिखाते हुए नए पोज में गजरा हमने लगवाया। हमारी भाभी ये सबसे बड़ी वाली भाभी, सबसे बड़ी नहीं हमारी भाभी,
सबसे बड़ी नहीं, ये भाभी और ये भी भाभी। ये छोटी वाली भाभी और ये भाभी। जबरदस्ती लपेटा ना ये, मैंने भाभी चलावा ली। मेरे पास बच्ची हो गई, वो हमारे यहाँ आई है जुड़ा। मैंने कहा था मैं लड़के के लिए ये साथ आता था, ये लड़के साथ में आता है। मैं लड़के साथ में आता है। हाँ, वो है कोई मलाई फॉन्ट। और हमें कल सुबह हाथरस के लिए निकलना है, तो हमसे एक ही दिन के लिए आए थे यहाँ पर। थोड़ी भागम भाग जरूर हो गई और थकान भी हो गई है, पर कोई नहीं, यहाँ परिवार के साथ मिलकर के त्यौहार मनाया तो सारी थकान भी गायब हो गई है। और अभी मंडे की सुबह हो गई है और हम लोग निकल रहे हैं हाथरस के लिए। और पूर्व भी अपने रेडी होकर के स्कूल जा रहे हैं, इनका आज एग्ज़ाम है। और वे और तांशु, तांशु के पापा के साथ कहाँ निकल रहे हैं तांशु? हाथरस के लिए। और अभी इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो मैं तो स्कूल नहीं जा रही हूँ, मैं तो छुट्टी ले ली है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हाथस जाके रेस्ट करूँगी, लेकिन तांशु के पापा को स्कूल जाना है तो इसलिए हमें हाथस के लिए निकलना होगा। तो आप लोगों से जो नेक्स्ट मुलाकात होगी वो हाथस में होगी, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तो आज के लिए अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। तांशु जाने से पहले वीडियो को क्या करना है? हाँ, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। और जो न्यू है चैनल को हाँ क्या कर दे, सब्सक्राइब। हाँ, तो मिलते हैं जल्दी फिर आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।